जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। अभी हम मौजूद है बागेश्वर धाम में, और सामने देख सकते हैं ये रहा श्री राम दरबार नया वाला। और चलिए चलते हैं तो इसके आसपास का दृश्य देख लीजिए। बरसात के समय में बहुत ही बुरा हाल हुआ है बागेश्वर धाम में, हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। और चलिए बने रहिएगा वीडियो में। आसपास देख सकते हैं जो पानी वगैरह है भरा हुआ है, इसके आसपास भी देख सकते हैं आपको काफ़ी यहाँ पर श्रद्धालु नज़र ही आएंगे ही नहीं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में आपको श्रद्धालु नज़र आएंगे। भारी बारिश के बीच यहाँ पर कुछ बंदरों का आगमन हो चुका है, तो बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा परेशानी हो चुकी है। तो हम आपको वीडियो में आगे दिखलाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में, हम आपको काफ़ी कुछ जानकारी देने वाले हैं। अभी गुरुदेव धाम पर नहीं है, तो हम आपको अपडेट देना चाहते हैं। गुरुदेव आएंगे 17 तारीख 18 तारीख के बीच में गुरुदेव भगवान आ जाएंगे धाम पर, और उनका वीडियो भी हम आपको शूट करवाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए चलते हैं और आगे का दृश्य दिखलाते हैं। तो पानी के से बेहाल आप लोग सामने देख सकते हैं, श्री राम दरबार के सामने कितना पानी भरा हुआ है। तो वीडियो में अंत तक लास्ट तक बने रहिएगा। श्री राम दरबार के आसपास देख सकते हैं यहाँ पर कितना पानी भर चुका है बागेश्वर धाम ग्राम गड़ा में। तो फिलहाल अभी बागेश्वर धाम में ही मैं मौजूद, आप लाइव देख सकते हैं, हम आपको वीडियो शूट करके दिखला रहे हैं। तो इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, कर देना लाइक, कर देना है और शेयर कर देना है अपने दोस्तों में। बागेश्वर धाम का वीडियो पूरा आपको हम आपको दिखला रहे हैं। तो चलिए चलते हैं श्री राम दरबार की ओर, वहाँ पर आपको चल कर दिखलाएँगे मंदिर का आसपास का दृश्य, वहाँ आपको दिखलाएँगे कितने श्रद्धालु आ चुके हैं। तो बने ये रहा सामने अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के जस्ट बगल में श्री राम दरबार। तो चलिए चलते हैं श्री राम दरबार की ओर, बने रहिएगा वीडियो में, हम आपको काफ़ी कुछ जानकारी देंगे। अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी जानकारी समझ में नहीं आएगी, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए चलते हैं, अब आपको लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आसपास आपको दुकानें वगैरह भी आपको दिखाई पड़ेंगी। तो चलिए चलते हैं, तो सामने आप देख सकते हैं ये रहा मंदिर की ओर रास्ता जाता है सीधा। तो बरसात के समय में आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर परेशानी दिक्कत वगैरह हो चुकी है श्रद्धालुओं के लिए। बरसात के समय में आपको जाना ठीक नहीं रहेगा, व्यवस्था बिगड़ सकती है बागेश्वर धाम में। आप देख सकते हैं कुछ भी वैसी सुविधा नहीं है यहाँ पर रुकने की, निःशुल्क फिलहाल तो अभी नहीं बनी हुई है। और तो वैसा ढाबा वगैरह में आप लोग रह सकते हैं निःशुल्क। अब आ चुके हैं हम मंदिर के जस्ट बगल में, आप सामने देख सकते हैं एंट्री गेट। इसी रास्ते से बागेश्वर बालाजी और बागेश्वर महादेव का दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं, जो कि मंगलवार पेशी और शनिवार के पेशी के दिन बहुत ही बड़ा श्रद्धालु यहाँ पर भीड़ जनसैलाब उमड़ा हुआ जाता है। तो बने रहेगा वीडियो में, सामने देख सकते हैं यज्ञशाला का दर्शन करवाते हैं। तो चलिए हम यज्ञशाला का दर्शन करवाते हैं हम आप सभी को, तो बने रहिएगा वीडियो में। ये रहा परिक्रमा मार्ग, परिक्रमा के जस्ट बगल में यज्ञशाला, यज्ञशाला के जस्ट बगल में बागेश्वर बालाजी और बागेश्वर महादेव का मंदिर। तो बने रहिएगा वीडियो में, इसी के जस्ट बगल में अन्नपूर्णा, और चारों तरफ देख सकते हैं इसके दृश्य, यहाँ पर आपको कोई भी बंदा नहीं नज़र आएगा। तो देख लीजिए यहाँ की कोई परिक्रमा भी नहीं कर रहा है, तो बारिश के कारण बहुत ही बुरा हाल हुआ पड़ा है बागेश्वर धाम में। तो इधर उधर कैमरा घुमा के हम आपको सारा व्यू दिखला देते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और बगल में देख सकते हैं ये श्रद्धालु यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी धमाकेदार अपडेट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम।